हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से छोटी मछली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने का तरीका एकदम अलग होगा, जिसे आपने कभी इस तरीके से शायद ही बनाया होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम छोटी वाली मछली लिया और इसे मैंने साफ कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसके मसाले बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पोस्ता दाना लिया है और 1 चम्मच ही मैंने काली वाली सरसों लिया है। और इसके बाद मैंने 10 से 12 लहसुन लिया है, 3 से 4 काजू लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है और साथ में नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद सारे मसालों को हम मछली में अच्छे तरह से मिला लेंगे। और मछली में मसालों को मिलाने के बाद इसे इसी तरह से छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने जीरा और काले जीरा का तड़का लगाया है और साथ में ही मैंने 1 प्याज को चॉप्ड करके यहाँ पे डाला है। और इसे तब तक हमें फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये मैंने 1 टमाटर को ग्राइंड करके लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। और सारे मसालों को डालने के बाद गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भून लेना है। और हमें मसालों को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें इसे मछली के साथ स्टीम करना है। तो मसालों को हम मैरिनेट किए हुए मछली में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेना है हमें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटी मछली खाने की शौकीन है तो इस तरीके से इस मछली को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्च के दाने और 4 से 5 हरी मिर्ची को कट करके यहाँ पे डालेंगे और फिर से सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया स्टील का और उसमें ऑयल डालकर बर्तन के चारों तरफ ऑयल को इस तरह से फैलाते हुए लगा लेना है चारों तरफ। और इसके बाद हम मछली को इसमें डाल देंगे और मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर साफ करके लिया है और मैं उसी पानी को यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाउल में मछली को डालकर अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और सेट की हुई मछली को उसके ऊपर डाल देंगे और कोई भी एक किचन टॉवल लेंगे और उसके ऊपर एक प्लेट को रख के इस तरह से कवर कर देंगे प्लेट को कपड़े से, ताकि जो स्टीम है कहीं से भी बाहर ना निकल पाए। और इसके ऊपर कोई भी एक भारी सामान रख देंगे ताकि जो स्टीम है कहीं से भी बाहर ना निकल पाए। और इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे इसे स्टीम करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाप से बनी हुई मछली बनकर तैयार है और बनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनी है। तो फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। थैंक यू।